हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 1 to 5th इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, 1 to 5th इंग्लिश ग्रामर। यूज ऑफ वाज और वेयर, इसके पहले आप मेरे चैनल पर चले जाएंगे तो आसानी से आप उसमें यूज ऑफ दिस, डैट, इज, आर, एम, कैन, कई तरह तक मैंने वीडियो 1 से 5th के लिए बना लिया। आज वाज और वर पढ़ना है, कहाँ हम वाज का यूज करते हैं, कहाँ वर्ब का यूज करते हैं। ओके, तो जो ये दो हेल्पिंग वर्ब है, दोनों सहायक क्रिया है। वाज जो होता है आपका वाज, और दूसरा जो वर है डब्ल्यू ई आर ई, दोनों का यूज वही करते हैं जहां लास्ट में था, थी, थे आते हैं। जैसे वह, जैसे वह एक राजा क्यों था, मैं एक लड़का कैसे था, इस तरह से ये सारी चीज़ें, बहुत सारे सेंटेंस हैं। वे सब चपरासी नहीं थे वहाँ पे, मतलब लास्ट में था, थी, थे जैसे वर्ड जब आते हैं तो वहाँ पे हम वाज और वर का यूज करते हैं। लेकिन दोनों तो एक ही जगह करेंगे नहीं, कहाँ वाज कहाँ वर करते हैं। आइए पहले इस चीज़ को समझें। वाज जो है आपका ये एक वचन होता है, जैसे ही हो गया, ही पुरुष के लिए वर, सी की सी हो गया, इसकी भी हिंदी मीनिंग वह होता है लेकिन स्त्री के लिए। इट हो गया, किसी का नेम हो गया, दिस डेट हो गया, साथ ही साथ आई, आई माने मैं हो गया, इन सारे सब्जेक्ट के साथ आप वाच का यूज करेंगे। जो भी सिंगुलर नंबर होगा, सिंगुलर नंबर मतलब एक बच्चा, जो भी सिंगुलर नंबर है, एल ए आर सिंगुलर नंबर, जो भी सब्जेक्ट हो गया उनके साथ आप वाच का यूज करते हैं, ये सारी चीज। ठीक है, ऐसे जितने प्लूरल नंबर होते हैं, यू तुम, दे वे वी हम या हम सब, दीज ये सब, दोज वे सब, जितने भी दो लोग का नाम आ जाए, यहाँ केवल सिंगल नेम आए तब, यहाँ दो, जैसे यहाँ सीता एक डॉक्टर कैसे थी, सीता और कविता अच्छी छात्रा थी, तो यहाँ पर दो नाम आ गया तो आज हुए, मतलब प्यूलर, पी एल यू आर ए एल, जितने भी प्यूलर नंबर होंगे उनके साथ। इसे भी कई प्रकार के सेंटेंस आते हैं, इसमें भी सेंटेंस कई प्रकार के आते हैं। पहला लेते हैं, पहला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल आपको पढ़ना है, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, इसमें था, थी, थे आएगा, सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कुछ बताया जाता है, पूछा नहीं जाता है, ना ही नहीं शब्द आता है, बस आप कोई सूचना या कोई बात बताते हैं। तो इसका रूल क्या होगा, पहले आप सब्जेक्ट को लिख देंगे, यस यस फॉर सब्जेक्ट, जो भी करता रहेगा। उसके बाद वाज सिंगुलर नंबर रहेगा तो, प्लूरल नंबर रहेगा तो वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। इस रूल पे आप काम करेंगे सिंपल सेंटेंस में, आपका रूल हो गया सिंपल सेंटेंस का। जैसे उदाहरण, एक मैंने ले लिया एग्जाम्पल, वह एक शेर था। अगर एक आ जाए तो आप याद रहे कि ऑब्जेक्ट से पहले आप ऑब्जेक्ट जो लिखते हो ए या एन लगा देंगे। एन कहाँ लगाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा अगर उसकी लेटर पहला लेटर है उसका ए ई आई ओ यू रहेगा तो एन का यूज करेंगे, अनदर इनके अलावा हम ए का यूज करते हैं। तो एक शेर था, क्या लिखेंगे आप, ही, वह का इंग्लिश डेट भी यहां लिख सकते हैं, डेट। ठीक सर, ये एक शेर था सिंगुलर नंबर वाज, फिर ए आई एन, शेर का इंग्लिश क्या होता है, लायन ऑब्जेक्ट है, यल है, यल ए ई आई ओ में से कुछ नहीं है तो ए लगा देंगे, दैट वाज ए लायन, वह एक शेर था। समझना है, ऐसे कर दिया जाए कि वह एक राजा था तो वह ही वाज ए किंग, ही वाज ए किंग, वह एक रानी थी, सी वाज ए क्वीन, इस तरह के वर्ड। ठीक है, किसी का नेम भी आ जाए, विवेक एक डॉक्टर था, विवेक वाज ए डॉक्टर। ऐसे जैसे मैंने भी आपको 3 सेंटेंस बोला, वह एक राजा था, वह एक रानी थी, विवेक डॉक्टर था,
ऐसे कम से कम आप 5 सेंटेंस लिखोगे, अभी 3 जो मैंने ये बोला और भी लिख लो आप। वे सब विद्यार्थी थे, हम सब डाकू थे, तुम सब बंदर थे, सोनी एक अच्छी छात्रा थी। ये आपका होमवर्क है, आपको ऐसे करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे हर एक टाइप के सेंटेंस पर, तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने का, कोई मजा नहीं मिलेगा आपको। आइए दूसरा टाइप का सेंटेंस देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। ये पहला था सिंपल, दूसरा निगेटिव। जब इसके निगेटिव सेंटेंस का हम वाक्य बनाएंगे, निगेटिव में नहीं आएगा, तो उसका भी रूल होता है। इस रूल पे काम करेंगे, सब्जेक्ट तब भी लिखेंगे, सिंगुलर नंबर है तो वास, प्लूरल नंबर है तो वर, उसके बाद नॉट लगा देंगे इसमें नॉट। नॉट के बाद अगर ए एन की आवश्यकता पड़ेगी तो ए एन, नहीं तो ऑब्जेक्ट, या आपका प्लूरल नंबर, वो निगेटिव सेंटेंस का ये रूल हो गया, निगेटिव सेंटेंस का रूल। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। कह दिया जाए राधा एक डॉक्टर नहीं थी। बनाइए इसका अंग्रेजी। सब्जेक्ट राधा के बारे में बात हुई तो राधा हो जाएगा, राधा। दादा नाम है, एक लड़की का नाम है तो वाज, सिंगल नंबर के साथ वाज, राधा वाज। नॉट, नॉट, रूल को फॉलो करिए। फिर ए, क्योंकि डॉक्टर में DOCTOR आता है, डी है पहला लेटर, ए आई यू है नहीं तो ए लग जाएगा, राधा वाज नॉट ए डॉक्टर। ऐसे आप निगेटिव लिखो। तोता एक चोर नहीं था, गुरुजी लंगड़े नहीं थे, हम सब भिखारी नहीं थे, रोहन खिलाड़ी नहीं था, वह एक गंदा लड़का नहीं था। ऐसे आपको निगेटिव पे लिख लेना है 4-5। आइए अगले टाइप के सेंटेंस को देखते हैं। देखिए तीसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों दो प्रकार का होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स का होता है। पहला यस नो टाइप। यस नो टाइप में क्या शब्द पहले आ जाता है, ठीक है, तब आप इसके लिए कौन सा रूल फॉलो करोगे, तो वाज और वर को लगाओगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर एक आया है तो ए एन, लास्ट में ऑब्जेक्ट, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये आपका यस नो टाइप सेंटेंस का रूल हो गया, दिस इज योर रूल। और जब क्या शब्द पहले आए तभी ये लगता है। एग्जाम्पल आप देख लो, एग्जाम्पल आ गया, क्या सालू एक पागल थी, क्वेश्चन मार्क बनाइए। तो सब्जेक्ट क्या है, सालू, SHALU। फिर ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, नाम है किसी का, तो आज सालू। उसके बाद पागल, पागल का इंग्लिश होता है मैड। मैड की स्टार्टिंग किससे हुई है, यम से, AEIOU है नहीं तो ए हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, वाज सालू ए डॉक्टर। ये फर्स्ट टाइप सेंटेंस, क्या इस पे आप कम से कम 5 टाइप 5 बना लोगे आप। क्या वे सब खिलाड़ी थे, क्या मैं डॉक्टर था, क्या तुम बिल्ली थी, क्या यह एक चोर था। बहुत टाइप के सेंटेंस है, अपने आप अपने मन से आप बनाओ, खुद लिख लो, बनाते रहो, क्या शुरू में लिखकर। दूसरा टाइप इसका होता है, इसका दूसरा टाइप होता है क्वेश्चन, ये पहला टाइप था यस नो टाइप, दूसरा क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप किसको कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप में ना यही क्या कब क्यों कैसे बीच में आ जाए, तो बीच में आ जाएगा तो पहले हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं, उसके बाद सेम रूल यही लगता है, बट क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, इसका इंग्लिश पहले बनता है, फिर सिमिलर है तो वाज, नहीं तो वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ए आई एन आया है तो ठीक, नहीं तो आप जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, इस रूल को तो हम फॉलो करते हैं। जैसे आ गया एग्जाम्पल आप देख लो, वह एक पतंग कहाँ था या क्यों था, वह एक पतंग क्यों था,
तो क्यों क्यों यही क्यों पहले यही क्वेश्चन वर्ड है, इसी का अंग्रेजी पहले बनेगा। तो कैसे आप ट्रांसलेट करोगे, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, वाई माने क्यों, वाई। फिर वह है, वह मतलब दिस डैट वाला, तो वाज लग जाएगा, वाई वाज, दोनों में से कोई एक चीज। फिर डैट, पतंग की इंग्लिश होती है काइट, तो के है, इसमें से कोई वर्ड है नहीं तो ए लिख देंगे, वाई वाज डैट ए काइट। ऐसे इस पर भी आप 7-8 सेंटेंस बना लोगे। हम लड़के कहाँ थे, अरुण अंग्रेजी कैसे लिखते थे, या अरुण अंग्रेज क्यों थे, इसको लिख लो। सभी बच्चे अच्छे कैसे थे, आप खुद अपने आप से 5-7 सेंटेंस बना लीजिए, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। आइए एक और टाइम देखते हैं, इसके बाद आप नोट करने के बाद लिखेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या है, सेम टू सेम चीजें आएंगी, बस नॉट बढ़ जाएगा। तो आप भी ना सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, फिर ए एन लगाओगे, सब्जेक्ट नॉट फिर ए और एन का यूज करोगे। जैसे आ गया, क्या सालू एक पागल नहीं थी, नहीं थी क्वेश्चन मार्क, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाज सालू नॉट, फिर ए लग जाएगा, वाज सालू नॉट, ये एक का इंग्लिश, नॉट ए मैट, बस नहीं आ जाएगा। ऐसे इसमें भी इंट्रोगेटिव निगेटिव दो टाइप का होता है, पहले इसमें फिर क्वेश्चन वर्ड, उसमें भी नहीं आएगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसमें भी सब्जेक्ट के बाद ही आप नॉट लगाओगे, सब्जेक्ट नॉट फिर ए और एन, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे ही वह एक पतंग क्यों नहीं था, वह एक पतंग क्यों नहीं था, क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है बस। तो वाई वाज डेट नॉट ए काइट, नॉट ए काइट, इस पे भी आपको निबंध 7-8 लिख लो। चमगादड़ अच्छे क्यों नहीं थे, क्या भालू लंगड़ा था, क्या वे सब गंदे लड़के थे, सुरेश घर क्यों नहीं था, इस टाइप के सेंटेंस। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब सारे रूल्स को नोट कर लीजिए और सारे रूल्स पर कम से कम 4-5 सेंटेंस आप खुद बनाइए, तभी इसको पढ़ने का मजा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।